Hi guys, well, welcome to Diva Mitra. This is Divya, your host for this channel. I missed you for 2 days. I missed each and every one of you. I missed your comments. I missed your presence. I missed you all a lot. और मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड जितने भी नए लोग हैं, मोस्ट वेलकम टू दीवा मंत्रा फैमिली. चलिए स्टार्ट करते हैं इससे कि जुजू ने रायता क्या फैलाया. जुजू के घर में है शादी और शादी है लड़की. जुजू बेसिकली जुजू इज लड़की वाली फैमिली है ना, तो जुजू करने वाली है बैचलर्स पार्टी. गाइस बैचलर्स पार्टी और करने वाली है प्री वेडिंग फोटोशूट. चलिए अभी इसमें जुजू ने कैसे ऐलान किया इन दोनों चीजों का मैं बताती हूँ. एक वीडियो बनाया व्लॉग चैनल पर डाला और कहती है आने वाले दिनों में आपको हमारे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे और हम लोग बैचलर्स पार्टी कर रहे हैं और प्री वेडिंग फोटोशूट भी कर रहे हैं. तो सारी जो मेकअप वेकअप है सब इन लोगों ने बोला आप ही कर देना, मतलब बेसिकली फैंसी ड्रेस होने वाला है. मैं सोच रही हूँ, मैं बहुत सारे लुक्स देख रही थी. आपको तो वैसे भी पता है कि हमें अपना दिमाग तो है नहीं, हम हमेशा कैच कॉपी पेस्ट ही करते हैं टाइटल हो या वीडियो का मेन कंटेंट. तो मैंने बहुत सारे लुक देख के रखे हैं और वो बुक वाले लुक में से हम सोच रहे हैं हम अपनी बहन को पूरा ब्राइडल एक लुक देंगे या फिर हम उसको गाउन पहना देंगे, है ना. तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं हमारे चैनल पर, तो आप जुड़े रहिएगा. कट कट. हाँ तो ये इन्होंने ऐलान किया तो मैं तो बड़े शॉक में लग गई कि भैया लड़की वाले बैचलर्स पार्टी कब से करने लग गए. लड़की वाले तो स्पिंस्टर पार्टी करते हैं राइट. तो चलिए कोई बात नहीं, बैचलर्स पार्टी, विल टॉक अबाउट बैचलर्स पार्टी. बैचलर पार्टी जो है इज बेसिकली वेस्टर्न कल्चर एंड जुजू इज ऑब्सेस्ड विद शहर का कल्चर, वेस्टर्न कल्चर. वट एवर साउंड यो, जुजू को वो करना होता है. भले जुजू को उस बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, अब देख लीजिए कितना बड़ा डिजास्टर है. बैचलर्स पार्टी करने जा रही हैं, कैसे करेंगी बैचलर्स पार्टी, वो तो लड़के वाले करते हैं, मतलब वो दूल्हा करता है. तो चलो कोई बात नहीं, इनका थोड़ा सा आइडिया देते हैं बैचलर्स पार्टी का कि बैचलर्स पार्टी होती क्या है. बैचलर्स पार्टी में लड़का जो टू बी ग्रूम होता है वो अपने सिंगल फ्रेंड्स को, मैरिड वाले अलाउड नहीं होते वैसे बैचलर्स पार्टी में जुजू, तो मैरिड लोग तो अलाउड नहीं होते, तो अपने सिंगल फ्रेंड्स को पार्टी पे बुलाता है और बहुत सारी दारू, बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं, बहुत सारा डांस होता है. अगर प्रॉपर वेस्टर्न कल्चर में जाके अगर हम बैचलर्स पार्टी को देखेंगे तो वहाँ पे लड़कियाँ भी होती हैं, मतलब नॉर्मल लड़कियाँ नहीं, स्ट्रिप करने वाली लड़कियाँ और पता नहीं क्या क्या होता है बैचलर्स पार्टी में. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बैचलर्स पार्टी फ्रॉम जुजू. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. और अगर आप वैसी बैचलर्स पार्टी नहीं कर पाई तो समझ लीजिए आपका नॉलेज पूरा टट्टी है, आपको नहीं करना चाहिए. एटलीस्ट चलो मान लो स्ट्रिप नहीं हो रहा है तो दारू तो होनी चाहिए ना. कि बस मन में आया कि हाँ फैंसी साउंड कर रहा है बैचलर्स पार्टी, तो बोल देते हैं अपने व्लॉग में बैचलर्स पार्टी. इसको कहते हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बिकॉज आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी कि बैचलर्स पार्टी क्या होती है. उन्हें बस ये पता होगा कि हाँ लड़के या लड़कियाँ जिनकी शादी होती है वो जमा होती हैं और थोड़ी सी पार्टी वार्टी करती हैं, हो गई. ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है. इसलिए इतनी गलत इन्फॉर्मेशन मत दिया करो, पहले जाओ थोड़ा सा गूगल करो. मतलब दुनिया तो तुम्हारे दिमाग तो तुम्हारा फेक आईडी से यहाँ जाके गाली दे दे वहां जाके गाली दे दे में लगा रहता है बेवकूफ. तो ये था पहला रायता. सो आई एम वेटिंग फॉर द बैचलर्स पार्टी. सेकेंड रायता प्री वेडिंग फोटोशूट क्यों होता है तुम्हें पता भी है और कैसे होता है तुम्हें पता भी है. ये कहती है कि मैं अपनी बहन को ब्राइडल लुक दूंगी. कौन से प्री वेडिंग फोटोशूट में ब्राइडल लुक में लड़की आती है. एंड सेकेंडली इट्स नॉट ओनली अबाउट फोटोशूट ऑफ गर्ल, वहां पे लड़का भी रहता है, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों रहते हैं प्री वेडिंग फोटोशूट में. मैडम आई वेट फोटोशूट ऑल्सो, जस्ट मेक श्योर ये लड़के को बुला लेना प्री वेडिंग फोटोशूट में, हम लोग प्रॉपर वाला देखेंगे ठीक है. ये टाइम पास और गलत सलत इन्फॉर्मेशन वाला प्री वेडिंग फोटोशूट लेकर मत आना अपने चैनल पर. कहती है कि हम दुल्हन बनाएंगे. आपको पर्पज पता है क्यों होता है प्री वेडिंग फोटोशूट. मैं बताती हूँ, प्री वेडिंग फोटोशूट इसलिए होता है, उसके बहुत अलग अलग पर्पज होते हैं. कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लड़के लड़की के बीच में केमिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा वो लोग क्लोज होते हैं और थोड़ा सा फ्रेंडली होते हैं ताकि उनको शादी वाले दिन नर्वसनेस भी फील ना हो, है ना, नंबर वन. नंबर टू, जो फोटोग्राफर है जो उनकी शादी को कवर कर रहा है शादी वाले दिन, उसके साथ थोड़ा उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाए और उन लोग शादी वाले दिन कंफर्टेबल रहे फोटो क्लिक करवाने में, बिकॉज इट्स योर बिग डे.
जूजू का प्री वेडिंग फोटोशूट है ब्राइडल में, बहुत ही नेचुरल होता है प्री वेडिंग फोटोशूट मैडम, नेचुरल, या सिर्फ कपड़े अच्छे होते हैं और मेकअप न्यूड होता है, दैट इज द लुक ऑफ प्री वेडिंग फोटोशूट। इट्स नॉट कि लड़की को दुल्हन बना दिया, लड़के को दूल्हा बना दिया, फिर शादी वाले दिन वापस वही कर दिया। पहले ना इन्फॉर्मेशन निकाल लिया करो, बाद में बकलोली किया करो, उसके बाद अलग दूसरा रायता पे चलते हैं। ये था इनका दूसरा रायता, प्री वेडिंग फोटोशूट। सो आई एम वेटिंग फॉर इट कि क्या होने वाला है प्री वेडिंग फोटोशूट और बैचलर्स पार्टी में। इसके बाद ये रील्स बनाती है हेटर्स के लिए, फॉर हेटर्स। गाना गाना मतलब हाइट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। देखो बहुत हैं चाहने वाले मेरे दुनिया में, कितने हैं, 3 लाख। 3 लाख में से 20,000 व्यूज आते हैं सब्सक्राइबर्स के, बाकी खरीदे हुए व्यूज जो रात को बढ़ते हैं 2 बजे के बाद, हर 15 मिनट पे 2,000 व्यूज प्लस हो जाते हैं। तो ये खरीदे हुए जो आपके चाहने वाले, नकली चाहने वाले ना, वो बॉट्स हैं, बॉट्स जो आपके वीडियोस देखते हैं रात के 2 बजे। बाकी आपके चाहने वाले 20,000 ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। देखता कौन है तुम्हारा चैनल, पूरा कट कॉपी पेस्ट है। मतलब दूसरी लाइन सुनिए गाने की, जमी और आसमां में फर्क जितना है, समझ लो दूर उतनी हो भैया, और ज्यादा दूर हो जा, तू 7वें आसमान पे चली जा बहन, थोड़ा और दूरी बढ़ा, इतनी दूरी बढ़ा कि नजर मत आ, क्योंकि तू नजर आती है ना तो ऐसा लगता है कि अरे बाबा रे क्या देख लिया भाई, जे वाला वर्ड याद आ जाना, रियली सॉरी, है ना। तो तेरा जो तू कहती है जमीन और आसमान में फर्क सिर्फ इतना है भैया, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर वो मेरे लिए था तो मेरा तो फ्लोर भी तुम्हारे फ्लोर से ऊपर है, सिटी का जो पूरे ओवरऑल इंडिया में जो रैंकिंग है ना, वो भी तुम्हारी सिटी से बहुत ऊपर है। इट्स नॉट आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनी सिटी, मेरे भी रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, बट इनके जो एटीट्यूड है ना उसको मैं बता रही हूँ कि बड़बोल नहीं बोलने चाहिए, है ना। तो ये सब जो तुम करती हो ये करना बंद कर दो, क्योंकि जो तुम्हारा चैनल है और ये सब जो है ना कुछ फेक है, फेक है, अकड़ टूटी नहीं, कहते ना रस्सी चल गई पर अकड़ नहीं गई, ऐसा कुछ एक कहावत है, आप लोग मुझे नीचे लिख के बताइएगा। ये वो है, इसका पीआर बंद हो गया पर्पल का, उसके बाद भी इसने एक ऐड किया पर्पल का, वो इसका पेंडिंग पीआर था सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कि देख मेरे पास है। बट एक सीधी सी बात है कि तुम्हारी औकात नहीं थी विदाउट फिल्टर वाले पीआर करने की, है ना। और अभी भी जो तुम कर रही हो अब वो ज्यादा घातक हो गया, क्योंकि पहले सिर्फ मैंने आवाज उठाई थी कि पीआर वाले फिल्टर वाले पीआर ना किए जाएं, लेकिन अब उसके ऊपर कानून आ गया, अच्छा खासा बड़ा कानून, ठीक है। तो अब आपके लिए फिल्टर वाले पीआर ज्यादा घातक हैं। गाइस आप लोग को याद होगा मैंने बताया था ASCI ने फाइनल गाइडलाइंस दे दी हैं, इन लोगों को एड अगर इनके 2 मिनट से लंबे हैं तो पूरे जितनी देर एड चलेंगे ना नीचे लगाना पड़ेगा यू आर वॉचिंग एन एडवर्टिजमेंट, द वीडियो हैज पेड प्रमोशन नहीं, यू आर वॉचिंग एन एडवर्टिजमेंट, ये लगाना पड़ेगा। अगर 2 मिनट से लंबा है ना आपका एड, तो जहां से एड स्टार्ट होता है और जहां पे एंड होता है पूरे में आपको लिखना पड़ेगा, और इतना ऑब्वियस करके लिखना पड़ेगा कि लोगों को दिखे वो अवॉइड ना कर पाए। तो आप लोगों का आधा कॉन्टेंट तो एडवर्टिजमेंट में बदल जाएगा। तो अब जो अभी तुम आसमान में उड़ रही हो ना, हाँ जमीन और आसमान में, जमीन पे पटकूंगी लाके मैं, बचे कुछ पीआर भी बंद करवाऊंगी मैं, जो तुमने कमेंट किया है ना वो बहुत भारी पड़ने वाला है तुम्हें। जू जू मैं नहीं छोड़ती ना, मैं तो बस मैं यहाँ से खेलती हूँ, तुम यहाँ से खेलती हो, ये फर्क है, मैं यहाँ से चलाती हूँ दिमाग, समझी। तो अभी देखो घर में शादी है, काम करो, वैसे भी मुझे लगता है कि फैंसी ड्रेस होने वाला है, क्योंकि मेकअप तो सब तुम करने वाली हो, रियल लाइफ में फिल्टर लगता नहीं है। किस इंसान को ब्रश पकड़ना ना है वो अपने मेकअप की इतनी तारीफ करे, मैं कभी जिंदगी में देखा नहीं यार भाई, ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो ये है जूजू जी, और इस तरह से ये फैलाती है रायता। दूसरी चीज जो आप लोग कहते हो ना कि मैं इसको बहुत ज्यादा गंदे तरीके से देती हूँ, ये डिजर्व करती है, ये डिजर्व करती है, पता है क्यों, इसलिए क्योंकि ना इसको शहर की नॉलेज है ना इसको गांव की नॉलेज है, इसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर है। ये इतनी गंदी है कि ये दूसरों के कल किसी के लाइफ में जाके उसको पता है क्या पूछ रही है, तुमने कभी जिंदगी में पिज्जा खाया है बहन, तू जैसा पिज्जा बनाती ना अपने घर में, नमक काली मिर्च हींग और मसाला डाल के, वैसा पिज्जा दुनिया में किसी ने नहीं खाया होगा, सिर्फ तुम ही लोगों ने खाया होगा, ठीक है।
मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए इसके स्टेटमेंट देखिए, तू कभी तूने जिंदगी में पिज्जा खाया है, कभी तूने ये किया है, कभी तूने वो, मतलब तुमने कर लिया वो भी उठपटांग कर लिया, तो तुम्हें लगता है कि दुनिया की बड़ी महान औरत होगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे गवार कोई नहीं है, तुम सबसे बेवकूफ, जो सबसे डम्बेस्ट यूट्यूबर है ना, जिसको कहते हैं बिम्बो, बिम्बो हो तुम, बिम्बो। फिल्टर लगा लगा के बोलेगी ये मेरा स्किन कितना अच्छा हो गया है, हैं? यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है। अभी मैं जुजू वाला फिल्टर लगा के आप लोग गुड बाय बोलूंगी, क्योंकि मेरा चैनल अभी, मेरा वीडियो हो गया खत्म, सो मेरे एक्सरसाइज का भी टाइम हो रहा है, 4:30 बजे मुझे जाना है, तो मैं एक मिनट में फिल्टर लगाती हूँ, जुजू वाला फिल्टर, उसके बाद आपको बोलती गुड बाय। हाँ, तो मैं आ गई हूँ जुजू वाला फिल्टर लगा करके आप लोग को बाय बोलने। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, एंड आई लव यू ऑल, बाय।